सो गाइस यहाँ पे मैं सेटअप दिखा दूँ आपको। ये साइकिल में आपको क्या क्या जरूरी आइटम आपको लगाने पड़ेंगे। ये है आपका नेम प्लेट जो आपको ब्रेवे के साथ मिलेगी। यह है आप ऊपर आपको दिख रहा होगा सैडल बैग, लाइट्स और आपका एयर पंप जो मैंने यहाँ पे माउंट किया है। यह आपका सैडल बैग, मेरे पंचर किट्स वगैरह यहाँ पे आपके इसमें लगे हुए हैं। और आपको सारा सेटअप आपको मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ कि ऑलरेडी क्या क्या हमें ये ब्रेवे के लिए चाहिए होता है, तो आप उसको सब प्लीज उसको कैरी कीजिए। अभी हमारी जो राइड है ये स्टार्ट होने वाली है। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं रेडी हूँ, और मेरे साथ साथ मेरी साइकिल भी रेडी है। जो भी एक्सेसरीज थी जो मैंने आपको कल दिखाई थी, ये मैंने अभी तक लगा चुका हूँ मैं। इसके अंदर कुछ भी कुछ पेंडिंग नहीं है। ब्रेवे कार्ड्स, अपनी लाइटिंग, सब कुछ एक दिन पहले से ही हमने तैयार करके रखी थी। और हमारा जो मिलने का टाइम है ये 3:45। जो मेरे बाकी को राइडर्स हैं वो अभी 3:45 समथिंग मेरे पास पहुंच जाएंगे, और हम यहाँ से एक बार राइड स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सेंटर है डेयर टू गियर सेक्टर 63, जो वहाँ से अभी ये राइड स्टार्ट होने वाली है। अभी हम अपने फर्स्ट चेक पॉइंट पे आ गए हैं। लगभग ऑलमोस्ट 7:15 और ऑलमोस्ट हमने कवर किए हैं 55 किलोमीटर। और अभी हम है शिवा ढाबा जो हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट है, और यहाँ पे सबसे पहले हमने आके कार्ड पंच वगैरह कराया है। और वेदर तो हम क्या ही बताएं, बिल्कुल बारिश आप देख सकते हैं पूरा स्वेट। और मेरे को एड्रेस यहाँ पहुँचते हुए बैलेंस यूको मजा आ रहा है। ये गुड, हाँ जाके पहले कार्ड बंद करा लो। सब मैं चेक पॉइंट पे संजय जी कार्ड बंद करते हुए, तो वेदर कैसे भी हो आपको यहाँ पे आके पहले सजा कार्ड बंद कराना है, और उसके बाद अभी आगे का सफ़र कुछ आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर के ऊपर। तो गाइज अभी एक फर्स्ट हॉल्ट मिला है हमको, टाइम हो रहा है 8:35 और हमने अभी कवर किए हैं 75 किलोमीटर्स। अभी हम शिवा ढाबा से अभी निकले ही हैं, और 25 किलोमीटर के बाद किसान भाई का एक पंचर हुआ है साइकिल में, और बहुत बारीक निकला है, एक तार निकला है बहुत बारीक सा। तो अभी हमारे पास स्पेयर ट्यूब्स हैं, हम 3-4 बॉल लेके आ चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं। फर्स्ट है, अभी हमारे को राइडर्स हैं आरवी, रोहित भाई, मी, सुशांत, और अभी टू चेंज होगी, उसके बाद हम और निकलेंगे यहाँ से। तो हमारा जो टारगेट है ये है कि 9:30 और हम 100 किलोमीटर मार्क के ऊपर जो हमारा सेकंड चेक पॉइंट है वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। सो अभी 10-15 मिनट का ब्रेक मिल गया है बट वोट, उसके बाद आगे निकलते हैं। अरे भाई कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं चेक पोस्ट नंबर टू, और अभी हमारा ये मिडवे है, और ऑलमोस्ट कवर किया हमने 105 किलोमीटर्स, और टाइम है अभी 9:47। सो ऑलमोस्ट ठीक है, 4 घंटे से ऊपर अभी निकले हैं ड्यू टू रेन, और यहाँ से भी रिटर्न करेंगे थोड़ी देर के बाद। चेक पॉइंट के ऊपर हमने कार्ड पंच वगैरह करा लिया है, और बाकी आगे देखते हैं कि मौसम अगर ठीक रहा तो कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको। तो हमारा प्रेडिक्शन है लगभग अगले चेक पॉइंट पर हम नेक्स्ट पे कितना है 50 किलोमीटर के अराउंड हमारा लगेगा, और हमारा आइडिया है कि 2.5 घंटे के अंदर हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। सो लेट्स सी कितना पहुँच पाते हैं। जितना ज़्यादा पानी वगैरह हमने सामने फिलअप करा लिया है, कार्ड पंच वगैरह हो गया है हमारा, अब बाकी अब लेट्स सी बाकी चलते हैं। सो गाइस अभी हम हैं कितना 130 किलोमीटर्स पे, और अभी हम रुके हैं यहाँ पे शिवा ढाबा। ये गढ़मुक्तेश्वर के जस्ट बाद में एक ढाबा पड़ता है 25 किलोमीटर्स,
125 किलोमीटर के बाद, और गढ़मुक्तेश्वर से ये 5 किलोमीटर के बाद ये ढाबा पड़ता है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे लंच वगैरह किया है और अभी टाइम हो रहा है 11:30, और अभी हम कहीं से कुछ खाया नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ हॉल्ट लिया था 10-15 मिनट का, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने 4th चेक पॉइंट के लिए जो है आपका 160 किलोमीटर के पास आसपास ही रहेगा, इसका समथिंग अराउंड इतना ही रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे चेक पोस्ट करा के सीधा अपने घर के लिए निकलेंगे जो 200 किलोमीटर पे चेक पॉइंट 5 पे जाके ख़त्म होगा। और यहाँ पर काफ़ी राइडर्स हैं जो यहाँ से निकल चुके हैं आगे, और बाकी देखते हैं मौसम अभी तक हमारा साथ दे रहा है। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं चेक पॉइंट 4 और यह है आपका मामा यादा ढाबा, और अभी हमने किलोमीटर कवर किए हैं 155, और अभी टाइम हो रहा है 12:30 पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। 10 मिनट का ब्रेक है उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। लास्ट हमारा 50 किलोमीटर रह गया है। यहाँ भी हमने अपना जो अपना डिलीवरी का कार्ड है यहाँ पे हमने इसको साइन स्टैम्प करा लिया है, साइन वगैरह हो गए हैं, कोई भी अभी तक कोई हमारा चेक पॉइंट कोई मिस नहीं हुआ है अभी तक। और बाकी हमारे दो राइडर हैं जो अभी आगे निकल चुके हैं, और मे बी दो और हैं जिनका भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, मे बी वो डेन अप करें और टायर ब्लास्ट हो गया है उनका, पहले पंचर हुआ था तो थोड़ा टाइम लगा था मुझे जो हमने पहले बताया था, और उसके बाद अब उनका टायर ब्लास्ट हो गया है हमारा सेकंड 100 यू टर्न के पास। तो देखिए आगे करने पर बिल्कुल ठीक जा रही है, मौसम अभी भी बना हुआ है, बारिश हो रही है, रुक रुक के मौसम चेंज हो रहा है, बाकी अब देखते हैं बाकी कितना हम लोग आगे कवर कर पाते हैं, मौसम ठीक रहे, ट्रैफिक कम हो तो इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं अभी। तो गाइस अभी हमने कवर किए हैं लगभग 180 किलोमीटर्स, और ये मैंने बाहर का ये फर्स्ट वीडियो शूट किया है क्योंकि अभी कंटिन्यू बारिश हो रही थी, अभी 10 मिनट के लिए रुकी है, तो पूरे 5 घंटे के अंदर ही फर्स्ट टाइम अभी बारिश रुकी है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक वीडियो कैप्चर करूं और आपको बताऊं कि अभी क्या कंडीशन है। अब अगर आगे देखा मैं आपको दिखा पाऊँ इस वीडियो के अंदर, अब बादल देख पाएंगे। गाइस अभी हमारा ऑलमोस्ट कवर्ड है, लास्ट के 3 किलोमीटर रह गए हैं, और बीच में मुझे एक नज़ारा दिखा है तो मैं आपसे बिल्कुल सोचा आपको रुक के स्पेशली बारिश हो या कुछ भी हो आपको एक बार मैं इस पर इसका नज़ारा दिखाऊं। और ये देखिए दिस इज़ द व्यू, ये आप देखिए पूरी बारिश ब्लैकआउट हो रखा है वहाँ पे पूरा, ये हमारा गाजियाबाद है इंदापुर का पूरा साइड, और हमें जाना है इस तरफ अभी 3 किलोमीटर्स, और ये देखिए है ना खूबसूरत, यही नज़ारा हमको पिछले पिछले 200 किलोमीटर के साथ साथ दिखा था। सो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए हैं बिल्कुल भीगते हुए, और 8 घंटे बिल्कुल हमने बारिश में निकाली है, फर्स्ट टाइम राइड है, 300-400 भी देखी थी जो मैंने लास्ट एपिसोड में अपने डाला था BRM 200 के अंदर, लेकिन ये वाली तो मतलब ऑलमोस्ट बारिश ही बारिश। खैर मज़ा आया, 180 राइडर्स एक साथ राइड कर रहे थे, कुछ लोग DNF हुए हैं, कुछ के कुछ चोट वगैरह लगी है, माइनर एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से, बारिश की वजह से। सो ऑलमोस्ट अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आपको मैं क्लोजिंग सेरेमनी की आपको कुछ फोटोशूट्स वगैरह दिखाता हूँ, और वहाँ वीडियो बनाना बहुत भीड़ थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने कुछ फोटोशूट्स वगैरह किए हैं तो मैं आपको उसके लिए थोड़ा सा आपको साइड शूट्स वगैरह दिखाता हूँ, आप इन्जॉय कीजिए और बने रहिए सोचते हैं साइड चैनल पर। थैंक यू।